बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी संकल्प पत्र नाम से जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े मंत्री और नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। बीजेपी ने जहां अपने घोषणा पत्र में पुरानी योजनाओं को जारी रखने और उनका दायरा बढ़ाने, साथ ही साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने समेत कई बड़े वादे किए। इससे पहले कांग्रेस ने भी न्याय पत्र के नाम से 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में सामाजिक न्याय के साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए गए। तो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है जिसे नाम दिया गया मोदी की गारंटी। तो पीएम मोदी ने यह घोषणा पत्र जारी किया और मोदी की गारंटी में युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों को साधते हुए यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की शुचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है, हमारा फोकस निवेश से नौकरी, निवेश से नौकरी पर भी है। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमिताभ कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही रितेंद्र माथुर, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। जिस तरीके से बीजेपी का ये संकल्प पत्र जारी हुआ है, कह सकते हैं मोदी की गारंटी जारी हुई है, क्या इस मोदी की गारंटी के भरोसे 400 पार कर पाना पर्याप्त होगा? मुझे लगता है कि 400 पार की जो एक योजना है उसमें काफी सहायक सिद्ध होगा यह संकल्प पत्र। जी, वैसे भी हम लगातार इधर 1-1.5 साल से जो चुनावी सर्वेक्षण होते रहे हैं जी, उसमें हम देख रहे हैं जनता का बहुत बड़ा सहयोग मोदी जी को लेकर के है। प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद लगातार बने हुए हैं और 50% से ऊपर जी इनके लिए जो है लोगों का वोट रहता है हर बार, चाहे किसी भी चैनल ने कराया हो। मैक्सिमम चैनल्स और अखबारों से इसमें ये चीजें आती रही और जिस ढंग से ये सरकार काम कर रही है, देखिए हमेशा कुछ ना कुछ आलोचनाएं होंगी, शिकायतें होंगी, लेकिन जो देश की दशा और दिशा बदलने में जो इन्होंने सफलता पाई है, लोगों के मिजाज को बदलने में सफलता पाई है, लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं जी। और चाहते हैं कि भारत जो है हर चीज में आत्मनिर्भर हो जाए। भाव ये जो पनपा है लोगों का, जो पहले लोग समझते थे कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हर चीज भ्रष्ट रहेगी, सब कुछ गड़बड़ रहेगा, हम हमेशा दुनिया के पीछे चलने वाले रहेंगे, आप देखिए वो सारी चीजें बदल रही और वर्ल्ड ओवर इस तरह का एक
महसूस करते हैं, भारतीय होने में गर्व महसूस करने लगे हैं, और वो किसी भी देश में रहते हैं उनको लगता है कि हमारी सरकार हमारे लिए है जी। तो पहले नहीं होता था, देश के अंदर ही नहीं बाहर में भी लोग यह महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी आप लोगों को मेरे ख्याल से एक स्टोरी करनी चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा है जी। अमेरिका कनाडा जैसे देशों में जो भारतीय रह रहे हैं वो वहां से मोदी जी के समर्थन में वीडियोस बना करके और तरह तरह के वो काम कर रहे हैं जिससे कि मोदी जी को समर्थन मिले जी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये देश का चुनाव नहीं रह के वैश्विक चुनाव हो गया है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। अभी कल ही एक मित्र से बातचीत हो रही थी कि ऐसा लगता है कि आसपास के देशों में भी चुनाव हो जाए तो मोदी जी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा और पाकिस्तान तो 100% मोदी जी को वोट कर देगा जी। तो इस तरीके की जब बातचीत सामने आती है तो निश्चित रूप से लगता है मोदी जी का जो 400 पार का सप्ताह है उसके आसपास तो बिल्कुल पहुंचेंगे, पार करें या ना करें जी। लेकिन उसके आसपास बिल्कुल पहुंचेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं आप देखिए, हर एक सबका साथ सबका विकास को एक हद तक इन्होंने मुकाम पे पहुंचाया है। इन्होंने किसी से नहीं पूछा गैस देते वक्त, बिजली देते वक्त, घर में पानी देते वक्त कि क्या आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप नीचे जाति के हैं, आप ऊंची जाति के हैं, कुछ नहीं। हर किसी को कैसे सहयोग पहुंचे, कहां कहां कमियां हैं उनको ठीक कैसे करें। देश में एक बड़ी समस्या थी, बहुत सारे ऐसे जिले थे जो लगातार सालों से पिछड़े जिलों में गिने जाते थे, उनके लिए अलग से योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तरीके से किया जा रहा है उसको देख के सबसे ज्यादा खुशी होती है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो पोर्शन है, उसके बाद जनता अपने आप खुद को समृद्ध करने लगती है और काम करने लगती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप लगातार वर्णन करते जाए, बहुत सारी बातें हैं जो ये सरकार कर रही है। और केवल ऐसा नहीं कि केवल आपके तन का ध्यान रख रही है, आपके मन का भी ध्यान रख रही है। बिल्कुल। आपके मन को कैसे उत्साहित करें, कैसे आप समझे कि आप एक भारतीय होने में गर्व महसूस करें, दुनिया में आपका नाम हो रहा है, आप मेहनत करने को तैयार हो, आप परजीवी न बने, परमुखापेक्षी न बने, इस तरह की बातें कोई देश आपको धमका नहीं सकता है। ये किसी भी देश के वासियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। चीन जैसे देश को जिससे कि हम हमेशा डरे रहते थे 2012-13 तक, आपको अगर ध्यान दिलाऊं मैं, चीन हमारे इलाकों में घुस आया था तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को कहा था कि पीछे हट जाओ, मत उस पर कुछ करो। लेकिन जब भारत में मोदी सरकार आई उसके बाद चीन की कोशिशों का बहुत तगड़ा जवाब दिया गया, इतना कि चीन जो दुनिया में शिकायतें करने लगा हमारे खिलाफ, जबकि पहले हम उसके खिलाफ शिकायतें करते थे, अब चीन कर रहा है। तो ये सब जो है ना, आपका मानसिक विकास भी और तन का जो है भौतिक विकास भी, दोनों में जो सरकार सफल हो रही है। महंगाई को लेकर के देखिए, लगातार इसकी महंगाई के जो दर है, मुद्रा स्फीति जो है बहुत कंट्रोल में रही है, नियंत्रण में रही है। आज आपका जीएसटी कलेक्शन आप देखिए कैसे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हर महीने दूसरे महीने रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन। इसका मतलब है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों का बहुत तगड़ा काम हो रहा है, तभी तो इतने पैसे सरकार के टैक्स आ रहा है सरकार के पास। ये सारा कुछ जो है ना, ये बहुत मायने रखता है और देश के लोग उससे प्रसन्न है। ये साफ साफ दिख रहा है कि तीसरी बार भी कोई एंटी इनकम पेंसी नहीं है, बल्कि मोदी के प्रो इनकम पेंसी आप कह सकते हैं कि वो नजर आ रहा है। और विपक्षी पार्टी की हालत बहुत खराब है, वो ठीक है अपने लिहाज से कुछ कुछ आलोचनाएं कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं जी जी, लेकिन होना कुछ नहीं है मुझे लगता है। ठीक, उन्हीं आलोचनाओं पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले रितेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से इस मोदी की गारंटी संकल्प पत्र को आंक रहे हैं, क्योंकि इस संकल्प पत्र में क्या आगे 5 साल होने वाला है, उसके साथ साथ क्या किया और उसको किस तरीके से आगे संचालित करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण रहा। सबसे पहले मैं आपको वैशाख नव वर्ष की शुभकामनाएं और नवरात्र की आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपको विशेष रूप से ऋतु जी आपको। अच्छा, जो आपने प्रश्न किया है ये है मोदी की गारंटी जी। तो मोदी गारंटी एक शब्द उन्होंने चलाया है और हम सब लोग उसको पकड़ के बैठे हैं। मोदी गारंटी शब्द से कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है, वो जो ग्रास रूट पे बीजेपी के वर्कर्स तैयार काम कर रहे हैं वही रिजल्ट देगा। अब जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 70% पोलिंग जो है वो होनी चाहिए, वो बीजेपी अपने पक्ष में कराना चाहती है। जहां 50% लास्ट टाइम इलेक्शन में पोलिंग हुई है उस जगह वो 70% तक पोलिंग तक ले जाना चाहती है। इसके लिए पूरे कैडर को मोबिलाइज किया गया है। तो चुनाव जिस दिन होगा उस दिन 70% वोट जब बीजेपी के पक्ष में ये उनके आग्रह से डलेंगे तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। और 400 जो पार जो उनका नारा है आज का कि हम 400+ जाएंगे, वो जा सकते हैं,
क्योंकि उस तरीके की उनकी तैयारी है। जहां वो जीते हैं उस जगह फिर से तैयारी कर रहे हैं, पोल परसेंटेज बढ़ाएंगे, और जहां वो हारे थे उन पोल्स उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2019 में जहां जहां हारे हैं लगभग 163 सीटें थी, उन पर वापस तैयारी कर रहे हैं कि उनको भी जीत लें वो। ऐसे करके 150 सीटें तो ये हो जाती हैं, ऐसे करके 400 पार हो जाएंगी, ये उनकी तैयारी। अब आते हैं घोषणा पत्र के ऊपर। घोषणा पत्र जो है ये अपने आप में कई प्रकार से हर समाज के वर्ग को कवर कर रहा है। सबसे बड़ी चीज है 70 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एक आयुष्मान कार्ड जारी कर रहे हैं। इस आयुष्मान कार्ड के अंदर 5 लाख तक की उनको सबको मेडिकल सुविधा होगी, क्योंकि 70 वर्ष की आयु के लोगों को मेडिकल की सुविधाएं लगती ही है, और ऐसे में कोई आर्थिक वर्ग नहीं देख रहे हैं, निम्न वर्ग हो मध्यम वर्ग हो, आयु दृष्टि से निम्न उच्च वर्ग मध्यम वर्ग किसी वर्ग के होंगे, सबको 5 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा उस वर्ग को दी जाएगी, ये इसकी गारंटी में ये शब्द आया। दूसरा, अभी 3 करोड़ लोगों को और मकान बना के दिए जाएंगे जो मकान नहीं बना सकते, तो उनको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मकान बनाने की गारंटी है। तो लोगों को लग रहा है कि हमारा भी घर का सपना पूरा हो जाएगा। तो देश को एक देश समझ के और हर नागरिक को भारत का नागरिक समझ के उसकी सुविधा के तरफ ध्यान देना ये बड़ी चीज है। दूसरे एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि फिजिकल, हमको जो डेवलपमेंट करना है फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल, 3 तरीके का डेवलपमेंट करने हैं। तो डिजिटलाइजेशन करेंगे देश का, तो उससे बहुत सारी चीजें जो फंसी हुई है काम धीमे होते हैं वो गति से पकड़ लेंगे। बैंकिंग के अंदर डिजिटलाइजेशन हुआ जो हमने देखा, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं रोज। बाकी सेक्टर्स के अंदर डिजिटलाइजेशन, और प्लस जो ये हमारे देश के अंदर जो जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर का डेवलपमेंट की बात है। अब आपके पास घर है, आपके घर में आपने सोलर पैनल्स लगाए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी बिल्डिंग है, अगर आपकी उसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी पैदा करिए कि अपना इस्तेमाल तो करिए करिए, साथ में उसको दूसरे को भी दीजिए, कुछ जिनके पास नहीं उनको बिजली दीजिए, तो आपसे कमाना भी शुरू कर दोगे आप। तो आपको तुरंत वहीं के वहीं अपने घर से ही आपको कमाई मिल रही है। कोई व्यक्ति इस देश में तो बेरोजगार नहीं रहेगा इस तरीके से काम में, पर ऐसे काम में नहीं लगा रहे कि अंदर तरीके से आपको ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जिससे कहीं किसी का नुकसान हो रहा है आपका फायदा हो रहा है। वो चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और एक भारतीय आदमी सोच सकता है, क्योंकि तो भारत में एक समन्वय की दृष्टि है कि सब लोग एक समान है। सारी दुनिया को हम अपने कुटुंब के रूप में मानते हैं, तो उस कुटुंब रूप के अंदर मानते हुए इस दूसरे का भी ध्यान रखना, नहीं तो कल को वो नाराज हो जाएंगे तो वो लोग हमसे लड़ने खड़े हो जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दुनिया में सहभाग सहयोग की स्थिति बनाना, और ये चीज कर रही है। इसका नतीजा ये है कि गल्फ कंट्रीज के पेट्रोलियम सेक्टर पे तो असर पड़ने वाला है, ये बात सही है। जैसे भारत के अंदर एनर्जी सेक्टर चेंज होगा तो गल्फ के जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल डेवलपमेंट, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसको असर पड़ेगा, उसको धक्का लगेगा बहुत बड़ा। अब हम लोग जो अपने देश के अंदर विकास करेंगे वो इस तरीके का होगा, वो लोग चाहते हैं आपका ही डेवलपमेंट के अंदर वो भी हिस्सेदार बने, हम उनको भी अपने हिस्सेदार बनाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। सब आज हम लोग खाने की सप्लाई तो उस देश को करते ही है, और संबंध बना के रखेंगे अच्छे, बाकी जो आपसी संबंधों में जहां दरारें आती है उस चीज को ठीक करना पड़ेगा, वो कर हो जाएगा ठीक। ये चीज जो सरकार ने पकड़ी वो चीज ली हुई है जी। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब बात हो रही है विपक्ष की। एक तरफ जहां 5 तारीख को कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया था, अब कंपैरिजन किया जा रहा है कि आखिर मोदी के गारंटी संकल्प पत्र के मुकाबले न्याय पत्र मजबूत है या नहीं, या मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र मजबूत है या नहीं, क्योंकि जैसे ही बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ उसके बाद तमाम ट्विटर पर ट्वीट भी आने लगे विपक्षियों के। राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट करते हुए कहा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, उस पर इस पर बात नहीं की गई, रोजगार को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। देखिए ये बहुत आश्चर्य की बात है, लगातार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ना समझ ही नहीं पा रही है कि क्या करे। वो 80-90 के दशक की राजनीति में लगी हुई है जी। और मोदी ने राजनीति की दशा दिशा भी बदल दी है, बिल्कुल पलट गया है मामला। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सरकारी नौकरी है वही रोजगार है जी। और जो सरकारी नौकरी है उसी से तय होता है कि कितना रोजगार मिला कितना नहीं मिला सबके लिए। लेकिन ये चीज स्थिति बदल गई है। मोदी जी ने बताया कि देश का जो युवा है उसको आप रोजगार पैदा करने के मौके दीजिए, उसको नई चीजें सीखने का मौका दीजिए, उसके व्यापार को खोलने का मौका दीजिए, व्यापार को सपोर्ट दीजिए, ऋण दीजिए, वो बिजनेस करेगा तो और दो लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा और देश की समृद्धि में भी सहायक होगा। केवल नौकर बनने के लिए इच्छुक युवाओं को उसने कहा कि नहीं बैठ के रहना है, आप काम ठीक है आपने पढ़ाई की, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपने हाथ में हुनर लाइए, कुछ व्यापार कीजिए और अपना भी विकास कीजिए और देश का भी विकास कीजिए।
एक जो आंकड़ा है वो बताता 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन दिए गए हैं, चाहे वो छोटे लोन हो 5,000 से लेकर के 10 लाख तक से। 30 करोड़ लोगों को लोन, इसीलिए इनका रोजगार का मुद्दा जो है ना वो फुस हो गया है। लोग कहाँ आने को तैयार है सड़क पे? अगर रोजगार सचमुच इतना बड़ा मसला होता तो लोग सड़क पे आते जी। लेकिन लोग देख रहे हैं, अभी हाल में इन्होंने एक विश्वकर्मा योजना लागू की है, वो कितनी लाभप्रद योजना है। इसके पहले भी मुझे याद है इन्होंने जैसे देश के जो मजदूर है उनके स्किल्स को ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, तो छोटे छोटे ना ब्रिज कोर्सेस लाए इन्होंने की ठीक है आप जैसे चिनाई का काम करते हैं, आप लकड़ी का काम करते हैं, आप चमड़े का काम करते हैं, तो एक छोटा सा प्रशिक्षण दीजिए और उसका सर्टिफिकेशन कर देंगे हम आपको कि आप इस काम के माहिर आदमी हैं। तो ऐसी ऐसी योजनाएं, आप 10,000 रुपए लीजिए, कुछ इक्विपमेंट खरीदिए और अपना काम शुरू कीजिए, तो इससे लोगों को बड़ा फायदा हुआ, खास करके छोटे तबके के लोगों को जो कहीं नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे थे और केवल मजदूरी कर नहीं कर सकते थे, उनके हाथ में हुनर आते ही उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, साथ में एक दो लोगों को और रोजगार देने लगे, तो मामला पलट गया है। रोजगार अब कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से महंगाई को लेकर के ये लोग बार बार कोशिश करते हैं लोगों को जगाने की। जब कांग्रेस थी तो लगातार 2-2.5 साल 2 अंकों में मुद्रास्फीति होती थी, जो भाजपा के राज्य में नहीं रही, हमेशा 5-5 के आस नीचे ही रही है, 20-8 तक गई थी। तो उस लिहाज से देखे तो महंगाई पे भी बहुत कंट्रोल रखा गया है, और अभी ऐसे खतरनाक परिस्थिति में सोचिए, दुनिया में 2-2 युद्ध चल रहे हैं, सारी दुनिया तबाह है, उनका इन्फ्लेशन रेट 30% से ऊपर चला गया है, कई देशों का 50% तक चला गया है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की क्या हालत है, उन सबके बावजूद भारत में इतना नियंत्रित है सब कुछ। तो जो लोग समझते हैं इकोनॉमी को ना, वो जानते हैं कि आज ये देश की सरकार कितनी सफलतापूर्वक इतनी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाने में सक्षम है, जिसकी आबादी इतनी बड़ी है, उसके बावजूद सबको, और ये जो अनाज जो दिया जा रहा है ना जी, ये भी एक बड़ा कारण है महंगाई पे भी काबू रखने में। दूसरा, हमारे हर नागरिक तक खाद्यान्न पहुंचाने में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको याद होगा कि पहले क्या होता था कि गेहूं चावल सड़ा कर दिया नहीं जाता था, लोगों को सड़ा दिया जाता था और औने पौने शराब की फैक्ट्रियों को बेचा जाता था, और मैंने रखने की जगह नहीं होती थी, खुले में अनाज बिखरता रहता था, कितने हम लोग तस्वीरें और स्टोरीज किया करते थे जी। कम से कम वो अनाज जो है आज सही जिसको जरूरत है उसके हाथों में पहुंचा तो रही है ये सरकार, इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है लोगों पे, लोगों को समझ में आता है। कितनी छोटी छोटी बातें, अकाउंट नहीं है बैंक अकाउंट, सबका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, आपके घर में गैस नहीं है, आपके घर में गैस चूल्हा पहुंचा दिया, बिजली नहीं है बिजली पहुंचा दी, मतलब ये नहीं कि गांव के अंदर बिजली का मीटर लग गया कि अब जिसको लगवाना है अपने घर में पैसे दो और लगाओ, वो नहीं, आपके घर में बिजली लगेगी। तो इस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए कि हर आदमी को हर सुविधा, बेसिक सुविधा है उसको उपलब्ध हो, गांव तक सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा है ना, बिजली, पानी अगर उसके घर तक पहुंच जाती है तो आदमी खुद अपना विकास करने लगता है, खुद काम धाम करने लगता है और उसको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं काम करने के। इसलिए मुझे लगता है कि एक हद तक काफी बेहतर इस सरकार ने काम किया है। कमियां हैं, अभी जो नई योजनाएं आ रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, मेरा कहना केवल इतना है कि आप जो पश्चिमी दुनिया का जो फिरंग कॉरपोरेट सिस्टम है उसको काउंटर कीजिए। हमारे देश में आर्थिक समृद्धि जो 1,000 साल पहले तक थी, उसका बड़ा कारण था कि हर लेवल के लोगों को शामिल किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में गांव के लोगों को ही प्रमोट करना है, ये नहीं कि कॉरपोरेट के हाथ में आप दे दीजिए। और जो महंगी मशीनें हैं सरकार अपने खर्चे से गांवों में पंचायतों में लगवा दे, लैब वहां पे लगवा दे, ताकि लोग जो है उन मशीनों का उपयोग करके खुद खाद्य प्रसंस्करण करें, पैकिंग करें और बेचें, तो हर वर्ग जो है समृद्ध होगा। ऐसी इकोनॉमी लेकर आए, वो कॉरपोरेट संस्कृति को तोड़े, ये बहुत जरूरी है, जो मैं चाह रहा हूं। ठीक ठीक अमिताभ जी, रितेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि चर्चा हो रही है कि विपक्ष अब इस संकल्प पत्र पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अगर विपक्ष
जिस तरीके से फ्री बिजली की बात करता है उसे लेकर भी संकल्प पत्र में लिखा गया है कि जीरो बिजली बिल का प्लान रखा गया है। सस्ती रसोई, लगातार गैस को लेकर सवाल विपक्ष ने खड़ा किया, उसे लेकर इस संकल्प पत्र में रखा गया कि सस्ती रसोई गैस का वादा किया गया। तो वो जो तमाम समस्याएं थी उन समस्याओं को इसमें उसका हल बताने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद एक मुद्दा जो रोजगार को लेकर अभी भी जुमलेबाजी का लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। ये विपक्ष के साथ मुश्किल ऐसी है कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता है जो मुद्दे होते हैं बोलने के लिए, व्यवहार में कहीं देख नहीं रहे। अगर मान ली व्यवहार में गड़बड़ होती है तो लोग करते, जैसे आपने गैस का मामला उठाया, अब गैस के लिए पाइपलाइन शहरों के अंदर डाल दी गई है बहुत सारी जगहों पर, पर क्या होता है कि हर घर में नहीं पहुंच पाती गैस पाइपलाइन। तो अब उन्होंने सिस्टम भी शुरू किया है कि गैस पाइपलाइन से पहले जो सस्ती गैस हम दे रहे थे उस जगह गैस पाइपलाइन सप्लाई करेगी गवर्नमेंट, और ये काम आने वाले 1 से 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ऑलरेडी गैस पाइपलाइंस हैं और सब तक गैस पहुंच जाएगी। एक अमिताभ जी ने एक बात उठाई कि हम लोग अनाज पहले सड़ जाता था, ये बात सही है। अब अनाज जो है पहले हम लोग बातचीत करते थे, चर्चा ही होती थी, आज जैसे हमारे पास गोडाउन के अंदर हम लोग अनाज रख रहे हैं, ऐसे लोगों के घरों में थोड़ा थोड़ा अनाज रख दिया जाए तो वो भी खाते रहेंगे और अनाज बचा भी रहेगा। सरकार वही योजना पे शायद काम कर रही है। अब 5-5 किलो प्रति महीना एक व्यक्ति घर में जा रहा है, गेहूं जाता है या कोई भी चावल जाता है, कुछ भी जाता है, वो अनाज उतना गोडाउन से बाहर आ जाता है, तो उतनी सिक्योरिटी रह जाती है उनकी, सड़ता नहीं अनाज और एक आदमी को यूज हो जाता, खाने को मिल जाता है, तो ये चीज एक अच्छी हो जाती है। दूसरा एक जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है मुझे कि इसके अंदर जब हम ऑलरेडी 52,000 करोड़ रुपया जो है लोग लोन लेकर, जो मुद्रा लोन है उसके जरिए काम कर रहे हैं लोग, जो एंटरप्रेन्योर्स बन गए, अपने खुद का छोटा छोटा उद्योग चला रहे हैं। दूसरा कैसा है कि एक समस्या और है कि ये एक बार बार मुद्दा उठाते हैं कि हम लोग की हंसी भी आती है मेरे को इन बातों पे, ये ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसमें बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा है। जैसे आपको उठाया उन्होंने अभी एक बेरोजगारी का तो एक मुद्दा है, साथ में एक मामला और चलाते हैं जो बहुत ज्यादा इनके लिए हास्यास्पद बनता है कि उस चीज को एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, खाली बोलने के लिए बोलते हैं। अभी जैसे पिछले घोषणा पत्र के बाद कि हम सबको आर्थिक रूप से मजबूत बना देंगे, तो आर्थिक रूप से आप कैसे मजबूत बनाओगे? 8,000 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में डालेंगे, तो ये चीज समझ से परे की चीज है, 8,000 रुपए बना हमारे अकाउंट में आएगा कैसे? तो ये सब चीजें व्यवहार में नहीं दिखाई देती और प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, संकल्प पत्र जो कि मोदी की गारंटी, वो आज जारी कर दी गई है। बीजेपी की तरफ से तमाम वादे किए गए हैं और इसके साथ ही साथ अपनी जो योजनाएं चल रही है उसको किस तरीके से आने वाले 5 सालों में आगे बढ़ाया जाएगा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जाएगी, ये वादा जनता से किया है। लेकिन जनता इस पर भरोसा जताती है या फिर विपक्ष के सवालों पर भरोसा जताती है, ये देखना होगा आने वाले चुनावों में।